साथ ही वो बच्चे भी उन तोड़े हुए फूलों की जगह फूल बनकर लग जाते हैं। उधर विजय और मंजुला देखते हैं। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। ये बच्चे भी ना इतने शरारती हो गए हैं ना कि पूछो मत। चलो अचानक भूत घूमने लगता है। मेरा बगीचा है ये, इसे जो कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कार्टून वीडियो देखे हैं। इस प्रकार के आप कार्टून वीडियो कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट कर सकते हैं, मैं यह वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से ही क्रिएट किया हूं, लेकिन मैं पूरा डिटेल बाय डिटेल इसमें समझाऊंगा कि आप ऐसे कार्टून वीडियो बनाकर लाखों रुपये अर्निंग कर सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, कार्टून वीडियो देखने जाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से बनाना नहीं आता है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि कार्टून वीडियो कैसे बनाया जाता है। बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए तो अब आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि इस वीडियो कार्टून वीडियो को कौन से तरीका से बनाया जाता है और किस तरह बनाया जाता है और किस तरह अपने कार्टून वीडियो को बनाएंगे तो हमको कोई भी आगे चैनल पे दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हमें स्टार्ट। सबसे पहले आपको कार्टून वीडियो क्रिएट करने के लिए प्ले स्टोर में आना होगा और प्ले स्टोर में जैसे ही आएंगे इसमें सर्च करेंगे ट्विन टून्स, इसमें लिखना होगा ट्विन। चलिए मैं लिख देता हूँ ट्विन टून्स। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास सामने यहाँ पे ट्विन टिप्स ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसमें आपको देखना होगा, आपको चलिए इसमें 10,000 डाउनलोडर है ट्विन टून्स कार्टून मेकर ऐप पे, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ, आप भी इंस्टॉल कर लें। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, इसमें आपको इसमें अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद इसमें आपको देख सकते हैं आपका जो गैलरी खुल जाएगा। तो इसमें ट्विन टून इसको कट आउट करिए, क्रिएट एनिमेशन पे इसमें क्लिक कीजिए, कंटेंट ट्यूटोरियल तो क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं सर जी ऑलरेडी आपके पास से देख सकते हैं मेरे भाइयों बहनों, ऑलरेडी इसमें बैकग्राउंड आपको दिया है जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी ये एक दिन प्रतिदिन अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है, इसमें चाहता है कि सबसे बढ़िया इसमें कार्टून वीडियो क्रिएट करने का सिखा दूँ, मुझे बनाने का ऐप बता दूँ, लेकिन अभी भी इसमें आपको 90% कार्टून वीडियो एडिटिंग अच्छी तरीका से कर सकते हैं और बैकग्राउंड वगैरह एडिट कर सकते हैं। बस वीडियो को देखते रहिए, मैं इसमें बताऊँगा कि आप बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं कैसे। तो इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगा, यदि आप प्रॉम्प्ट नहीं लिखे हैं तो आप चैट जीपीटी की मदद से प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं या गूगल में जाके सर्च करके एक प्रॉम्प्ट ले सकते हैं कोई भी कार्टून वीडियो का। तो चलिए इसमें एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। जैसे कि अलाउ ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो इसमें आपको ऐड कैरेक्टर सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऐड कैरेक्टर, इस पर आपको क्लिक करके आप ऐड कैरेक्टर कर सकते हैं। यदि आप ऐड करेक्टर करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऐड करेक्टर कर सकते हैं। तो चलिए एक करेक्टर को ऐड कर ले, इसमें ऐड करेक्टर पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा करेक्टर आपको मिल जाएगा, आप आसानी से करेक्टर को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं भूतनी वाला कहानी लेता हूँ, इसमें स्किप कर लेंगे तो इसमें आपका एक करेक्टर, इसमें आपको वॉच ऐड करना होगा टू अनलॉक द करेक्टर वॉच ऐड। यदि इसमें आपको वॉच ऐड कर लेते हैं मतलब वॉच चला लेते हैं अपने मोबाइल में तो आपका करेक्टर सेव हो जाता है। तो चलिए वॉच फ्री है, इसमें आपको ऐड चलाना है केवल। तो ओके जी, हमारा जो भी करेक्टर था मैं ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे करेक्टर हो गया पोज चेंज, इसमें आपको जो भी इसका पोज चेंज करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं इसमें अलग अलग पोज चेंज हो रहा है इसका। तो इसमें चलिए मैं ये वाला पोज ले लेता हूँ, सिलेक्ट पोज पे क्लिक कर लेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा पोज है। मैं भूतनी वाला कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, तो चलिए भूतनी वाला कहानी को थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। चलिए हमारा भूतनी वाला कहानी है इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि भूतनी आपका सीधा शरीर लेकर नहीं आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले एनिमेशन, आप जब प्ले एनिमेशन करेंगे तो आपका एनिमेशन प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड वॉयस, तो इसमें आपको रिकॉर्ड वॉयस करना होगा। यदि आप इसको पहले से वॉयस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो चलिए रिकॉर्ड वॉयस पे क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं।
थी, वो बहुत ही लोगों को डराती थी। शाम को 4 बजे के बाद सभी लोग अपने घर में घुसकर सो जाते थे। भूदनी से बहुत ही गांव के लोग परेशान थे। आखिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस भूदनी से कैसे बचा जाए, और लोगों को काफी सताती थी और लोगों को काफी मारती थी। इस गांव में एक भी पक्षी पक्षु और पशु नहीं मिलते थे जिसको ये भूतनी ने नहीं मारी थी। तो उसके बाद ये आपका वॉयस रेडी हो गया। जैसे ही आपका वॉयस रेडी हो जाता है तो आपका एक क्लिप डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे करेक्टर सेटिंग पे क्लिक करके आप जो भी करेक्टर है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्टर पे सेटिंग करके आप करेक्टर को यहाँ पे फ्लिप करेक्टर, डिटेल करेक्टर, रिज करेक्टर, वॉयस टोन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फ्लिप करेक्टर के क्लिक करके आप एफ डाउ राइट जो भी करेक्टर है उसको मोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि बायां है तो दायां मोड़ सकते हैं, दायां मोड़ना है तो दायां मोड़ सकते हैं, बायां मोड़ सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर सकते हैं। डिलीट करेक्टर पे क्लिक करके अपना करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। रियूज करेक्टर को क्लिक करके आप अपने करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। वॉयस टोन के क्लिक करके आप इसमें जो भी आप ओल्ड चाहिए आपको वॉयस चेंज सक्सेसफुल हो जाएगा आपको, जो भी वॉयस आपको मतलब ऐड करना है इसमें। उसके बाद मैजिक बॉक्स है, आपको मैजिक्स बॉक्स में इसको चेंज बैकग्राउंड, आपको यदि चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करना है तो आपको बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें डायनामिक स्टेटस में मैजिक भी है तो मैं चेंज बैकग्राउंड नहीं करूँगा। इसमें आपको यही हमारा बैकग्राउंड रहेगा क्योंकि हमारा यही अच्छा बैकग्राउंड है। और इस न्यू क्लिप पे क्लिक करके यहाँ पे आप नया क्लिप एक और ले सकते हैं। तो ऐसे आप न्यू क्लिप ले सकते हैं। जितना आप न्यू क्लिप पे डालेंगे, जितना मतलब जितना बार इस पे आप इसको आप चूज करेंगे तो आपका नया नया क्लिप रेडी होता जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा 3 क्लिप रेडी हो गया। उसके बाद इसका की फ्रेम यहाँ से डालेंगे तो ये इसका भी रेडी हो गया। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब इसको जहाँ भी आपको करेक्टर को इधर उंगली के माध्यम से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें आओ नीचे इसको न्यू क्लिप ले लेंगे, मतलब ऐसे आप वीडियो पूरा अच्छी तरीके से क्लिप सेलेक्टेड बना लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीडियो को सेव करते जाना है और आपका वीडियो सेव होता जाए।